बिस्मिल्लाम मैं आप देख रहे हैं आई आर की न्यूज़ आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से अभी जो डेवलपमेंट्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूं आपके लिए थोड़ी सी ये हैरान कन होगी लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मुख्तफ़ जगहों से इकट्ठी की है और जब उसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ आती है कि खेल सिर्फ वो नहीं है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है पसे पर्दा एक और खेल भी जारी है और मुमकिन है कि वही रियल गेम बन जाए मैं आपको बताता हूँ कि दो तीन चीज़ों पे अलग अलग इस टाइम पूरा सिस्टम मिलकर काम कर रहा है वो चीज़ें कौन सी हैं वो बाद में लेकिन पहले आप ये देखें कि ये सारी नौबत क्यों आई पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो एहत किया ना उससे पूरा का पूरा निज़ाम कर रह गया है यानी बदतरीन आंसू गैस थी बदतरीन यानी पाकिस्तान की तारीख में इतने शैल आंसू गैस के मारे ही नहीं कभी किसी ने जितने इन्होंने मार दिए जितनी खौफनाक रुकावटें थी ऐसी रुकावटें कभी किसी ने देखी नहीं रबड़ की बुलेट्स जो हैं जो कभी एक आधी गोली चलानी होती थी उसको लगातार लोगों के ऊपर बरसाया गया है बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए हैं बदतरीन तशद हुआ है हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ़्तार हुए लेकिन उसके बावजूद लोगों ने काम पहुँचेंगे और लोग पहुँचे डी चौक अली अमीन गंडापुर का पहुँच जाना ये आज खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है इसके बाद का जो कुछ हुआ जैसे भी हुआ उसके ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं सवाल उठा सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें इमरान ख़ान पर छोड़नी चाहिए अली अमीन गंडापुर ने जो किया और जो कहा और जिस तरीके से किया आ, उनकी अपनी एक स्ट्रेटी है इमरान खान को उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ लेकिन एक बात तो कन्फर्म है ये अली अमीन गंडापुर के एहताज की वजह से है कि हुकूमत बैकफुट पर चली गई गोकिूमत जो है वो कोई कमजोरी शो नहीं करना चाह रही लेकिन अंदर से ये बुरी तरह हिल गए हैं क्योंकि लोगों की इन्होंने रेजिलियंस देख ली है औरतों को बच्चों को खुवात को बेशुमार लोग इन्होंने गिरफ्तार किया और उनमें चंद लोगों को सिर्फ ये मार मार के मना सके कि जो हम कह रहे हैं वो स्टेटमेंट दे दो ज़्यादातर लोग इमरान खान और उसके बयानिए के साथ अभी भी खड़े हुए हैं ये एक बेमिसाल किस्म का एहतजाज था जिसने इस पूरी रियासत को रियाती निज़ाम को पूरे ढांचे को हिला कर रख दिया है और वो ये सोचने पर मजबूर है कि लोग अगर इस लेवल पर चले गए हैं और अगर इस तरह की चीज़ें पर लॉन्ग कर जाती हैं तो फिर तो लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी इस निज़ाम में अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ एक तो आइनी तरमीम जो है वो अब इस वक्त की सूरत हाल में जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान के बग़ैर नामुमकिन है फजल रहमान साहब जब तक इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे आयी तरमीम वाला मामला ना मुमकिन है फजल रहमान साहब ने जो आइनी तरमीम का मसवदा तैयार किया है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ शेयर कर दिया है जिन लोगों ने उस मुसदे में कुछ चीज़ें देखी हैं उनका ये कहना है कि ये हुकूमत का वो वसवदा बिल्कुल नहीं है जो हुकूमत बना रही थी यानी इसमें इंसानी हकूक के मामलत नहीं होंगे ख़राब इसमें फ़ौजी अदालतों के मामलों नहीं होंगे मिलटी कोर्ट्स के इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जिन पर ऐतराज़ किया जाता था वो नहीं होंगी हाँ इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें नहीं है जजेस की उम्र भी नहीं बढ़ेगी यानी कालीफ़ हादिसा को अपने टाइम पर रिटायर होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करें तो हुकूमत के लिए ये एक ऐसा मुसविदा होगा जिस जिसपे हुकूमत हामी नहीं भरेगी तो ऐसी सूरत हाल में तिरसठ ए का इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन तिरसठ ए का फायदा तब होगा जब फजल रहमान साहब के बन्दे टूट जाएंगे फजल रहमान साहब की पार्टी में से कम से कम चार बंदे तोड़ने पड़ेंगे तब जाके पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बंदे तोड़ने पड़ेंगे पहले जो इनके वोट कम थे उनकी तादाद दो तीन थी अब जो इनके वोट कम है उनकी तादाद छः सात है बंदे तोड़ने के और मिलाने के बावजूद फजल रहमान के दो बंदे डालने के बावजूद भी इनके पास बंदे पूरे नहीं हो रहे दूसरा अब आवाज़ें आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकर्री कर दी जाएगी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक डेढ़ हफ्ते के अंदर और उसकी वजह यह है कि ये नज़र आ रहा है कि वकला भी खड़े हो गए हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है दूसरी जानब अदलिया के अंदर भी एक रिजाइनमेंट है मिसाल के तौर पर फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया बैरिस्टर हैं फवाद चौधरी और इनका और इनकी फैमिली का बड़ा गहरा जुडिशरी के अंदर असर रसूख रहा है तो बड़े हॉट वाटर्स में भी है फवाद चौधरी साहब बार बार गिरफ्तार भी होते हैं बड़ी तकालीफ भी इनकी फैमिली ने देखी लेकिन फवाद चौधरी साहब उन लोगों में से एक हैं जो स्टूडेंट्स आप ये कह लें मंसूर अली शाह साहब के तो फवाद चौधरी साहब ने एक क्लेम किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से 11 जजेस और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 6 से 7 जजेज़ इस्तीफ़ा दे सकते हैं किसी भी मुमकिन ज़्यादती की सूरत में तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ी खौफनाक सूरत्याल बन जाएगी तो अब हुकूमत के कैंपों से ये खबरें आ रही हैं कि जी काजी फायदा साहब जाने वाले हैं और मंसूरली शाह साहब का नोटिफिकेशन आ जाएगा लेकिन क्या यह ऐसे ही होगा इसमें हमें चंद चीज़ों को देखना पड़ेगा मंसूरदी शाह साहब से मुलाकात के लिए भी मुकतदरा कोशिशें कर रही है ताकतवर लोग हैं इस्टबलिशमेंट और उन्होंने कोशिश की कि मंसूरदी शाह साहब से मुलाकात हो ये अब मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकता लेकिन फ़िलहाल अब तक की इतला के मुताबिक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई ना उन्होंने मुलाकात के लिए कोई हामी भरी है दूसरी जानव एक चीज़ की गई फौरी तौर पर कि दो चीज़ों पर काम हो रहा है एक तो इमरान खान साहब से मुलाकातें रोकती गई हैं ताकि उनका आवाम के साथ रा ना रहे या इमरान खान साहब इस सिचुएशन पे अपना कोई एनालिसिस ना दे सकें या इमरान खान साहब इस सिचुएशन पे अपना कोई लाया अमल ना दे सकें या अपनी पार्टी को जेल से बैठ कर भी वो लीड ना कर सकें इसलिए इमरान खान साहब के साथ राबते ख़त्म करवाए गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है रबे ख़त्म रहे लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सिमन रफत साहबा की अदालत के अंदर ये केस लगेगा और वो कल की तारीख में यानी कल लगेगा वो केस और कल पता चलेगा कि वहाँ से क्या डिसीजन आता है क्योंकि वहाँ पे इसी अदालत के अंदर एहकाम जारी किए गए जब तोहनी अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तरीक़े साहब ने जमा करवाई है इमरान खान साहब की बहनों को फिर रिमांड दे दिया गया है दो दिन के मजीद रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है सत्तर साल से ज़्यादा उनकी उम्रें हैं इमरान ख़ान से बड़ी उम्र की हैं उनके ऊपर जिस नौत के मुकदमत बनाए गए उनकी गिरफ़्तारी की वीडियो बाकायदा मौजूद है कैसे उन्होंने वालंटियरली बड़े आराम से मुस्कुराते हुए गिरफ़्तारी दे दी थी और वो दो बहने ही वहाँ पर मौजूद थीं तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो उनके साथ किया जा रहा है लेकिन इसके पीछे भी रीज़न ये है कि वो हर आवाज़ जो पाकिस्तान तरीक़ान इंसाफ के वर्कर को अट्रैक्ट कर सकती है या बता सकती है कि क्या करना है लायामल क्या है उस हर आवाज़ को दबा दिया जाए फिर जो अली गंडापुर साहब के साथ हुआ वो भी आप सबके सामने है उसने बड़ी मर्दानगी का मुजाहरा किया बड़ी ज़रूरत और हिम्मत के साथ डी चौक तक पहुँचे लेकिन उसके बाद जो कुछ उनके साथ किया गया अब वो भी एक मैं अली अमीन गंडापूर को एक मज़लूम के तौर पे भी देखता हूँ एक बहादुर आदमी के तौर पे भी देखता हूँ कि वो एक ऐसा लीडर है जो लोगों को लीड करके लाया लेकिन साथ ही मैं उसको एक मज़लूम के तौर पे भी देखता हूँ कि रियासत ने अपनी वो ताकत इस्तेमाल की जिसके साथ अली अमीन गंडापुर या इमरान ख़ान कभी भी लड़ना नहीं चाहते और वो ये नहीं चाहते कि मामला एक हद से आगे चले जाए क्या आइनी तरमीम का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने अब रखूँगा एहतजाज की कामयाबी के बगैर ना इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि अली मीन गंडापुर को डिस्कस किया जाए ये डिस्कस ना किया जाए कि एहतजाज कितना कामयाब हुआ था अगर ये एहतजाज कामयाब ना होता तो हुकूमत अब तक अपनी आइनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद करवा रही होती इस एहतजाज की कामयाबी के लिए आयनी तरमीम करने का जो मकसद है उनका वो डिले में चला गया वो पीछे चले गए वरना हमने आपको बताया था और ये पक्की खबर थी कि पीर मंगल बुद्ध वाले दिन इन्होंने सोचा हुआ था कि ये आइनी तरमीम की तरफ जाएंगे लेकिन पब्लिक का दबाव देख कर ये दो कदम पीछे हटे हैं और पब्लिक के दबाव की वजह से जो पाकिस्तान इंसाफ के MNA's जो तरीकेज हो सकते थे वो भी मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं जजेस का दबाव मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने क्लेम भी किया है अभी सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पखतू कहा कि कोर्ट्स में क्या होता है अगर तो जजेस इस्तीफे देना शुरू करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बहरान भी खड़ा हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक रोला भी पड़ जाएगा कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह ये वहां पर जाँबहक हो गए थे इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान इनके बेटे की एक आडियो आई इनके बेटे ने कहा कि जी मेरे वालद जो है वो दमाग की शरियान पटने की वजह से उनकी हलाकत हुई और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो दमे के मरीज़ थे और आंसू गैस की लगातार शेलिंग की वजह से जो उसके असरा थे उन्होंने पहले बताया भी था कि मुझे आप ना ले जाएँ मुझे छुट्टी दें लेकिन इसके बावजूद उनको ले जाया गया और उनसे ज़बरदस्ती काम लिया गया तो आंसू गैस की शैलिंग के असरा की, की वजह से उन्हें अटैक आया उनकी दिमाग की शरीया फटीं और उसके बाद उनका इंतक़ाल हो गया ये उनके बेटे का स्टेटमेंट है और उनके जिसम पर कोई तशदद के निशानात भी नहीं है। तो इसका मुकदमा इमरान ख़ान पर और अलीमिन गंडापुर पर और पाकिस्तान तरीक़ानसाफ़ पर दर्ज कर दिया गया है जबकि ज़िल्शाह आपको याद होगा उसके जिसम पर दर्जनों निशान थे टॉर्चर के लेकिन कहा गया जी ये तो एक्सीडेंट के अंदर जो है जाम हक हो गया है और उसका मुकदमा भी इमरान खान पे ही दर्ज कर दिया गया था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे गवाह हैं, यहाँ पे इनके बेटे का बयान भी है लेकिन ऐसा लगता है कि एक फैसला कर चुकी है कि जो भी होगा उसका इल्जाम जो है वो इमरान खान साहब पर ही डालना है तो नाजरी ये थी आज की इसी के साथ अपने